Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है शब्द मिथोलॉजी, जिसका मतलब नकली, काल्पनिक, झूठ, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। तो आप लोग देख ही रहे होंगे भारतीय पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन ने सभी हिंदुओं को, या हम देखते हैं सोशल मीडिया पर भी, अंतर्वक्त बुलाया और हिंसक भी बुलाया। पहली बात तो मैं बात कर दूं हिंसा की। मैं बार बार बोल भी चुका हूं कि धर्म के आधार पर लोगों को न्याय दिलाने को हिंसा नहीं बोलते, दंड नीति को हिंसा नहीं बोलते। दंड देना पड़ता है राजा को या जो भी लीडर हो सनातन धर्म को जो फॉलो करता है, उसको दंड देना ही पड़ेगा। और दंड से चोर उचक्के तो डरते ही हैं। तो चोर उचक्के जब गीदड़ के जैसे उछलना, बात करना शुरू कर दें दंड के भय से, तो आप समझिए राजा अच्छा कार्य कर रहा है। आजकल डेमोक्रेसी के नाम पर मृदंगबाजी, एक्चुअली एक संत है प्रभुपाद, उन्होंने डेमोक्रेसी को डीमन क्रेजी बुलाया कि यहाँ पे पैसे के बल पर, झूठ के बल पर जो लोग हैं उनको गुमराह किया जाता है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, और फिर वहां पे जीत लिया जाता है इलेक्शन। आप देख ही रहे हैं अमेरिका में पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र उल्टा चलता है, वहां पे साधु संत इलेक्ट करते हैं राजा को, और फिर उस राजा को अपनी लोकप्रियता सिद्ध करनी पड़ती है, और फिर वो राजा कठोर नियम ले सकता है, उसको सेना मेंटेन करनी पड़ती है स्ट्रांग, और दंड देना उसका, उसको एक प्रकृति से वेदों के द्वारा उसको अधिकार दिया जाता है। जब दंड का भय चला जाता है तो चोर उचक्के या नालायक लोग जिनको राजतंत्र धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो उछलना शुरू कर देते हैं। न्याय और धर्म एक ही बात होती है। अगर दुनिया में धर्म रहेगा तो वहां पे न्याय भी मिलेगा सबको। इसीलिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, क्योंकि ये सभी जो वेद, सभी वेदों को पुराणों में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है, और वेदों को ही महाभारत रामायण में उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है, वही वेदों को उपनिषदों में एक्सप्लेन किया गया है कि जो निर्देश होते हैं, जो जिनको रिलीजन बोलते हैं, रिलीजन मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो उपनिषद में होते हैं। वो उपनिषद मतलब जब शिष्य गुरु के सामने बैठ के सुनता है उसको उपनिषद बोलते हैं। तो इस जैसे गीता को गीतोपनिषद बोला जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण, तो अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं इसलिए उसको गीतोपनिषद भी बोला जाता है। तो जो वेदों के बाहर तो न्याय है ही नहीं, वेदों के बाहर न्याय नहीं है, वेदों के बाहर दंड नहीं है, और वेदों के अनुसार दंड देने पर उसको अहिंसा बोला जाता है। दंड देना अनिवार्य है क्योंकि हर व्यक्ति शस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। करना चाहिए, कुछ लोग सक्षम है, कुछ लोग नहीं है, और जो नहीं है उनकी सुरक्षा का दायित्व उन पर है जो सक्षम है। और जब सरकार अपना कर्तव्य भूल जाती है, आजकल की गवर्नमेंट्स भूल जाती है, तब वहां पे उद्दंडता, आतंकवाद या हर प्रकार का विरोधाभास पनप जाता है, क्योंकि दुश्मन जो है आपके, वो आपकी प्रजा को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी धार्मिक राजा के ऊपर है। धार्मिक राजा को अपने दुश्मनों का खेल समझना चाहिए और वहां पर जाकर उन दुश्मनों को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनका उधर उसको दंड देना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो, इतना बल होना चाहिए। अगर बल नहीं है तो उस देश का जो आपका दुश्मन है उसके दुश्मनों से समझौता करना चाहिए और उसको वहीं पे परास्त करना चाहिए। ये नीति शास्त्र है, ये नारद मुनि ने बोली, ये पुलस्त्य ऋषि ने बोली, वशिष्ठ मुनि ने बोली, और ये अनेक ऋषियों ने बोली है, और आज के समय में चाणक्य ऋषि ने बोली। मैं आज के समय बोलूंगा
क्योंकि वही मोस्ट रिसेंट हम बोल सकते हैं। हम लोग रिपीट ही कर रहे हैं दूसरों के शब्द, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्वयं उसको रियलाइज किया है, लेकिन लॉजिकल लगता है, वो नीति पूर्वक है, न्याय संगत है। तो जब राजा अपने कर्तव्य भूल जाता है तो उसको अपोजिशन मिलता है, उसको दुश्मन देश जो है उसी के देश में उसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, क्योंकि उसने अपना धर्म पालन नहीं किया। जब उसको धर्म पालन करने की आवश्यकता थी, अपनी प्रजा को संरक्षण देने की आवश्यकता थी, तब उसने किया नहीं, वो कुछ और चीजों में घुसने लगा। राजा का कर्तव्य देश की उन्नति तो देखना है ही, लेकिन उसका दूसरा कर्तव्य आर्थिक उन्नति तो देखना ही है, लेकिन आर्थिक उन्नति जो है सेनाओं के बल पर ही होती है, गुप्तचरी के बल पर ही होती है, उसके बिना आर्थिक उन्नति नहीं होती। ये बात शास्त्रों में अनेक बार मैं पढ़ता हूं और मैं अनेक रिसर्च में कर करके मैं थक गया हूं, और ये मुझे एक ही बात हर जगह मिलती है, चाहे कहीं भी आप पढ़ें। राजा जब अपना कर्तव्य भूल जाता है, सुरक्षा का, प्रजा की सुरक्षा का, प्रजा के मन की सुरक्षा का, प्रजा के धार्मिक कार्यों की सुरक्षा का, तब राजा को अपोजिशन मिलता है, और जब समय पर राजा एक्ट ना करे तब उसको और भी दंड मिलता है, राजा को दंड मिलता है प्रकृति से। और तब चोर उचक्के जैसे लोग हिंदू या जो वेदों का पालन करते हैं, अभी हिंदू की परिभाषा भी समझनी पड़ेगी। मैं सबसे ज्यादा, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, कवर चैतन्य महाप्रभु का कवर करूंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मतलब रिसेंटली आए हैं, 500 साल पहले, 600 साल पहले, और उनके बाद उनके अनुयायी हैं या आदि शंकराचार्य के अनुयायी हैं। तो सब बड़े, अपने हमारे सारे साधु संतों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी संप्रदायों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी संप्रदाय हमारे हिंदू रिप्रेजेंट करते हैं, संप्रदायों से ही सनातन धर्म बनता है, हिंदू धर्म होता है, और कोई संप्रदाय के बाहर कोई सनातन धर्म का को रिप्रेजेंट नहीं करता। वेद, जो वेदों का पालन करे, या रामायण महाभारत या पुराण, जो वेदों का पालन करे वही हिंदू है। अब इस डेफिनेशन पे जाएंगे तो पूरी दुनिया आपको हिंदू लगेगी, ये मैं अपनी पुस्तकों में प्रूव कर चुका हूं। जो सूर्य चंद्र प्रकृति की पूजा करे सब हिंदू, तो पूरी दुनिया हिंदू है देखा जाए तो, नाम चाहे कुछ भी दे दें, कहीं पे कुछ और नाम से बुलाते हैं, किसी और बुलाते हैं, तो इंडिजिनस पॉपुलेशन, इंडिजिनस रिलीजन, नेटिव कल्चर, ये जहां भी शब्द आए, मूल निवासी, ये सब हिंदू है। तो जो प्रकृति के अनुसार जिए जीवन, अपनी प्रकृति और बाहर की प्रकृति, वो सभी हिंदू है, पूरी दुनिया में हिंदू है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से दूर नहीं जा रहा है, उसको शायद वेदों का मालूम ना हो, लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार जीवन जी रहा है जो स्वाभाविक है। कुछ लोग उसमें से, हमारे आजकल का जो सो कॉल्ड सिटी बेस्ड लाइफस्टाइल, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, उसके अनुसार न रहे। जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ही हम मॉडर्न बोलते हैं, क्योंकि यूरोपियंस के लिए भी मॉडर्न है, वो तो बारबारिक ट्राइब है पूरी, उनके लिए भी नॉर्मल है, रिफॉर्म्ड। तो इस डेफिनेशन को चलते हुए क्या हिंदू अंधभक्त हो सकता है? हिंसा पे तो मैं आपको बोल दिया कि हिंसक, अपनी रक्षा करने के लिए हिंसा आवश्यक होती है, तो हिंसक तो होना चाहिए, लेकिन जब वो वेदों के अनुसार होगी तो अहिंसा कहलाएगी, है ना? तो अहिंसा परमो धर्मा, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम महात्मा गांधी की तरह एक गाल आगे करें दूसरा नो। सभी, आप अगर पूरे दूसरे धर्मों को देखें, दूसरे मतों को देखें, पंथों को देखें, तो धर्म तो सिर्फ एक ही है, मनुष्य का धर्म, लेकिन मत और पंथ अलग है। जैसे अगर हम इस्लामिक पंथ को देखें, मत को देखें, तो वो तो पूरा हिंसा से ही भरा पड़ा है, पूरा का पूरा दिखता ही हमको, एग्जाम्पल दिख जाए, वो जितना भी बोले लेकिन हिंसा तो दिखती है। क्रिश्चियंस का भी देख लें, क्रिश्चियनिज्म का, उधर भी हिंसा से भरा पड़ा है। जूडिज्म का देख लें, हिंसा से भरा पड़ा है, और वो अपनी रक्षा के लिए हिंसा कर रहे हैं, सब लोग ऐसा बोलते हैं।
लेकिन दूसरे बेगुनाह लोग क्यों मर रहे हैं? तो अगर उस दृष्टि से देखें, जो हिंदू है वो तो बिल्कुल भी हिंसक नहीं है। क्रिमिनल एलिमेंट्स हो सकते हैं सम, लेकिन 1.4 ऑफिशियल, और अगर सारे नेटिव इंडिजिनस को ऐड कर दें तो सभी 4 बिलियन लोग हिंसक कैसे हो सकते हैं? 4 बिलियन अंधभक्त कैसे हो सकते हैं? इसी में तो भक्ति है उनकी। सूर्य में भक्ति है, चंद्र में भक्ति है, जल में भक्ति है, जमीन में भक्ति है, कहां से कोई अंधभक्त हो सकता है? कोई अंधभक्त हो ही नहीं सकता। सभी हिंदुओं को अंधभक्त बुलाना एक पापपूर्ण कार्य है। हम 4 अरब लोगों की बात कर रहे हैं, दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो रिकॉर्डेड है। तो ये जो कथन जो आजकल चल रहा है पॉलिटिक्स, हमने कल भी एक शो भी किया था कि भारतीय पार्लियामेंट में हिंदुओं को गाली देना ये टेररिज्म हो गया एक तरीके का। और आप अपोज कर सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज पे, लेकिन आप गाली नहीं दे सकते किसी को। आपके पास पॉलिटिकल इश्यूज हो तो आप अपोज कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना लोगों को वो शोभा नहीं देता। अब हम चलते हैं शास्त्रों के ऊपर। शास्त्र क्या बोलते हैं? भागवत पुराण के 6वें स्कंद में यमदूत बता रहे हैं यमराज को कि यमराज, आपने हमको बताया है कि जो वेदों के अनुसार रहे वो धर्म है, जो वेदों के विपरीत है वो अधर्म है। बड़ी क्लियर डेफिनेशन है। तो जो वेदों के विपरीत चल रहा है उसको दंड दिया जा सकता है, उसको हिंसा नहीं बोला जाएगा। दंड राजा को, जो भी राजा हो, स्टेट लीडर बोले, आज के प्राइम मिनिस्टर बोल दें, चीफ मिनिस्टर बोल दें, आपको वेद दंड देने का अधिकार देते हैं जो कि धर्म के विरुद्ध कार्य करे, जो मंदिर तोड़े, अबलाओं पर अत्याचार करे, चाहे किसी भी देश में कहीं पर भी हो, वेदों के आधार पर आप उसको दंड दे सकते हैं। ये वेदों का ये वैश्विक आधार है। मैं विश्व की जब बात कर रहा हूं, त्रिलोकीय आधार की बात कर रहा हूं। त्रिलोक वेदों के आधार पर आप किसी को भी दंड दे सकते हैं, जो जिसने किसी का घर जलाया हो, किसी के किसी भी प्राणी की हत्या की हो निर्मम तरीके से, चाहे वो जानवर भी हो, स्पेशली गाय, तो निषेध है हमारे वेदों में गाय को मारना, कहीं भी नहीं लिखा वेदों में। और मैं उस पर लोगों को चैलेंज भी कर सकता हूं अगर मुझे शास्त्र दिखाएंगे तो, लेकिन उस पर प्रॉपर डिस्कशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें सारे कॉन्टेक्स्ट लेके आने पड़ेंगे, तब हम उसमें बता सकते हैं कि सारे कॉन्टेक्स्ट लाएंगे तो कहीं भी वेदों में लिखा ही नहीं गौहत्या करने। तो कोई इस पे मुझे चैलेंज करेगा तो मैं उससे शास्त्रों के आधार पर डिबेट नहीं, शास्त्रों के आधार पे हम लोग वार्तालाप कर सकते हैं। उसी को शास्त्र अर्थ बोलते हैं, क्योंकि उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए जा रही है शास्त्र का। वेदों में कहीं भी गोहत्या के बारे में नहीं लिखा है। गोहत्या करने पे, क्योंकि उससे समाज की क्षति होती है, समाज में पुण्य कार्य खत्म होते हैं, समाज में ज्ञान की वृद्धि खत्म होती है, समाज में धन का अभाव होता है एक गाय को मारने से, इसलिए उस गोहत्या पे दंड बहुत कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। किसी मनुष्य की हत्या करने पर दंड किसी भी कारण से, अगर वो शास्त्र आधारित नहीं है, कोई आतंकवादी है, चोर है, उचक्का है, या फिर दूसरों क्षति पहुंचाता है, वहां पर दंड दिया ही जाएगा। उसको भी इतनी कठोर दंड दिया जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कोई मनुष्य इन सबसे बच गया, छूट गया कहीं ना कहीं से, तब जो दंड यमराज देते हैं उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मृत्यु देवी ब्रह्मा की पुत्री है, यमराज सूर्य के पुत्र है। मृत्यु देवी ब्रह्मा ने उनको जन्म दिया है, और उनका एक ड्यूटी भी है जिसमें मैं एक शो कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं।
लेकिन यमराज जो है आपका लेखा रखते हैं और आपको दंड देते हैं, लोग बोलेंगे ये तो मिथोलॉजी आप बात कर रहे हैं, नहीं ये सत्योलॉजी है, क्योंकि वेदों के आधार पर सत्य है। ये सारे देवता एग्जिस्ट करते हैं और ये सारे देवता अपना कार्य कर रहे हैं, और जो भी आप देख रहे हैं अभी ये कलयुग का चैलेंज है, कई देवता का चैलेंज है। मैं तो चाहता था कि इस कलयुग के चैलेंज में संसद भवन में जय श्री राम गूंज जाए, लेकिन वो कहीं नहीं गूंजा। राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव ये गूंजा है, कहीं नहीं गूंजा। मतलब सभी चाहे जो लोग हिंदू के लिए बात कर रहे हो, अपोज करें दोनों के दोनों शास्त्रों से की और बात ही नहीं कर रहे। और सनातन धर्म को किसी अब्राह्मिक पंथ से आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, अलग है वो। भारत में भारत सनातन राष्ट्र है, वेदों के आधार पर राष्ट्र है, उसको आपको उसी तरह रखना पड़ेगा। अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट का और लापेन का, वो कितने स्पष्ट रूप से बोल रही है जो उसके राष्ट्र को खतरा है, एग्जिस्टेंशियल लड़ाई। तो ये बात भारत के जो धार्मिक राजा हैं, वैसे भगवान कृष्ण को खुला आदेश देते मई सर्वाणी कर्माणी युद्धस्व विगत ज्वरा, उसका आखिरी शब्द निराशित निर्मोह भूत युद्धस्व विगत ज्वरा, युद्ध करो जीतो पृथ्वी जीतो, ये कृष्ण के आदेश है अर्जुन को शास्त्रों के आधार पे, क्योंकि दुश्मन जो है युद्ध करने पे लगा हुआ है, तब आपको युद्ध देना ही पड़ेगा उसको। इसको बोलते हैं युद्ध का दान, युद्ध का दान तो देना ही पड़ेगा। तो आप कब तक छुपते रहेंगे, कब तक अपने आप को बचाते फिरेंगे? हमको बचना नहीं है, हमको बढ़ाना है, समझे आप? आज तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया कन्वर्जन के ऊपर, ये तो युद्ध है, कन्वर्जन तो युद्ध है, कन्वर्जन युद्ध है, उससे तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। और गीता आपको यही मैसेज देती है, अधर्म के विरुद्ध जब सारे उपाय हट जाएं तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसी में हमारी मुक्ति का साधन है, बार बार बोलता रहता हूं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य है क्षत्रियों के लिए कि हमको युद्ध का अवसर मिल रहा है, ये सौभाग्य है, तब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। और हम कोई, हम तो पूरी सृष्टि के अच्छे के लिए युद्ध करेंगे। जब युद्ध आता है युद्धे च पलायनम, हम युद्ध से पीछे नहीं हटते, अपलायनम पलायन नहीं करते हम, ये छात्र धर्म है। शौर्य तेजो धृतिरिदाक्षम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम, सात क्वालिटीज हैं। अब यहां पे आपको क्षमा दमा, ये तो किसी और का काम है, ब्राह्मण का कार्य है, ब्राह्मण की तो रक्षा की जाती है, लेकिन जब ऐसा मौका आए तो ब्राह्मण आपको बोलते हैं कि निकल पड़ो अब, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और शास्त्रों के आधार पे हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता। मेरे को जब मैं सुन रहा हूं मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अब संसद में धर्म की चर्चा शुरू हुई है। धर्म की चर्चा पहले अधर्म से शुरू होती है, और जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनके आर्ग्यूमेंट में जब सुन रहा हूं तो कोई ज्ञान ही नहीं है किसी को। अभी भी डेवलपमेंट में बात हो रही है, अरे डेवलपमेंट तब होगी जब राष्ट्र रहेगा आपके पास। अब मैं आपको दिखाता हूं कहां कहां हिंदू है, बड़ा आश्चर्य होगा आपको, पूरी दुनिया हिंदुओं से भरी पड़ी है। ये मैंने कुछ कंपाइल किया है प्लेसेस, और मैं ये सब हिंदू टेंपल्स हैं,
पूरी दुनिया के हिंदू टेम्पल्स हैं, 118 प्लेसेस हैं। ये है गयाना में, साउथ अमेरिका में, गयाना में और भी टेम्पल्स हैं। मैं अमेरिका को कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि सबको मालूम है 1000 से ज्यादा मंदिर हैं। ये सिर्फ गयाना के मंदिर हैं। और फिर आप ब्राजील में मंदिर हैं, ये देखिए ब्राजील के मंदिर हैं, अनेक मंदिर हैं ब्राजील में। तो ये सब हिंसक है। आप ब्राजील के लोगों को जाके पूछिए कितनी शांति मिलती है उनको, नहीं तो इतने मंदिर कैसे चलेंगे। हरिनाम का जप हो रहा है हर जगह, अमेज़न के बीच में मंदिर है। हाँ, ये तो सिर्फ ब्राजील की बात हो रही है। चलिए अर्जेंटीना में देख लीजिए, अर्जेंटीना में मंदिर है, यहाँ पे तो सारे गो बक्षक ही हैं, ये गाय का मांस छोड़ रहे हैं सबके सब मंदिर जा जाके। आप गाय को मारेंगे भारत के अंदर, लोग दुनिया में हिंदू मंदिर में जाके गाय का मांस छोड़ते हैं। अर्जेंटीना से बड़ा कोई गो बक्षक राष्ट्र नहीं है, लेकिन ये मंदिर वहां छुड़वा रहे हैं सबको। ये चिले में है, संतियागो में, सब जगह जा चुका हूं मैं, कितने मंदिर हैं। ये तो जो दिख रहा है आपको वो है, बाकी तो बड़े बड़े जो नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटी है सब जगह गो बक्षा गो वध निषेध है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए जानवर है वो। ये है पेरू में, पिछले साल ही गया था मैं, यहाँ पे जगन्नाथ का मंदिर है, वहां पे नरसिंह देव का मंदिर है, भक्ति मार्ग है। ये उधर चेसुका में मंदिर है, लीमा में मंदिर है, सब जगह गया हूं मैं। यूरोप में मंदिर है, कहां पर है, जर्मनी में। ये सब मंदिर पुराने पुराने मंदिर है, 400-500 साल पुराने। ये कुछ नए मंदिर है, पूरा यूके भरा पड़ा है मंदिरों से। नीदरलैंड से मंदिर है। क्या ये सब हिंदू, अब यहाँ पे क्या हिंदू लोग रह रहे हैं? यहाँ पे तो लोकल लोग जाते हैं, यूरोपियन जाते हैं। ये सब मंदिर है जगह जगह। कितने लोकल लोग आते हैं शांति के लिए, सब चर्च से भाग भाग के आते हैं। नेटिव इंडिजिनस लोग आते हैं। मुरुगन का मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर यूके में, एंड स्वामीनारायण जी ने बहुत सारे मंदिर खोले हुए हैं। ये डोलू बाबा का मंदिर है टर्की में, पुराना मंदिर, 700 साल मंदिर है, सली। और ये सकेलॉय मंदिर, ये टर्की की बात हो रही है, इस्तांबुल में मंदिर है, छोटे छोटे लोगों ने बनाए हुए। क्या ये हिंदू चला रहे, और क्या ये लोग हिंदू नहीं है? भारत से तो नहीं है ये लोग कोई। मैंने वही मंदिर सिलेक्ट किया जो भारत से लोग सिलेक्ट चला नहीं रहे, वहां के लोकल लोग चला रहे। डरबन हिंदू मंदिर, ये हिंदू लोग चला रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में 5.5 लाख हिंदू है, तो ये वहां पे हिंदू जो इंडिया से गए थे पहले। ईस्ट अफ्रीका सत्संग, मध्य कैलाश मंदिर, ये भी वहां की साउथ इंडियन टेम्पल चलाते हैं। तो कितने मंदिर हैं पूरी दुनिया भरी पड़ी मंदिरों से। तो ये सभी लोग क्या हिंसक हैं? जिसको पूरा लिस्ट चाहिए आप मेरी बुक से देख सकते हैं, बुक में दी ओरिजिनल एटलस में एंशियंट मंदिर्स हैं जो काफी पुराने होंगे, मींस मैंने जिनका वर्णन पुराणों में। मैं केली मंजर पहाड़ों के ऊपर मैं अलग रिसर्च कर रहा हूँ, वो आपको प्रस्तुत करूंगा। किली मंजर का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या वो मंदार है, इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा हूं। एक मेरू नाम का भी पर्वत है अफ्रीका में, जो कि मुझे लोग बोल रहे हैं कि वही मेरू पर्वत है। नहीं, मेरू पर्वत जम्बूद्वीप के बीच में है, तो वो मेरू पर्वत नहीं हो सकता। वो नाम बाद में कभी रखा गया मेरू, क्योंकि अफ्रीका पृथ्वी के बीच में नहीं आता, जम्बूद्वीप पृथ्वी के बीच में आता है। रशिया के मंदिर देखिए आप, ये रशिया के मंदिर है।
कुछ घर में कुछ बाहर है, और बहुत सारे भक्त है रशिया में। रशिया में करीब 1 मिलियन भक्त होंगे, 10 लाख लोग, 10 लाख भक्त होंगे। भारत के लिए 10 लाख कोई नंबर नहीं है, लेकिन बाकी देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। वो पूरे हर कोने में है मंदिर, और यूक्रेन और रशिया में बहुत ज्यादा भक्तों को मतलब बहुत भक्त है वहां पे हमारे सनातन धर्म के। चाहे कुछ लोग इस्कॉन से कनेक्टेड है, बट मेजोरिटी जो है नॉन इस्कॉन मेंबर्स है। सो ये फिजी में है, पैसिफिक में, एकदम पैसिफिक में। कहां दिख रहा है देखिए, मैं देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। कहां पे है मंदिर, कहां दिख रहा है ये? ऑस्ट्रेलिया के कहीं कोने में। ओशन के बीच में आइलैंड, उसमें इतने सारे मंदिर दिख रहे हैं। मतलब काफी रेयर रेयर जगह सिलेक्ट करी है ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया हो कि कहाँ कहाँ मंदिर है। जापान में बहुत मंदिर है, ये वियतनाम मंदिर है, पुराने पुराने मंदिर, दो दो तीन तीन चार चार हजार साल। मेरे बुक में लिखा हुआ है कुछ मंदिर तो पांडव कालीन है, सारे के सारे पांडव के समय से है, पांडवों के समय से है, कंबोडिया में, वियतनाम में। कितने सारे मंदिर, शौक हो जाएंगे आप। पांडवों के मंदिर है सारे, के सभी हिंदू, बिना युद्ध के तो सनातन धर्म फैलता नहीं है। अब हमको शास्त्रों का अर्थ समझना चाहिए और हमको शास्त्रों के अनुसार एक्ट करना चाहिए। ये जो हमारे अंदर कीड़ा भर दिया गया है कि हमको वायलेंस नहीं करनी है, वायलेंस हम कभी करते ही नहीं है। धर्म के आधार पर वायलेंस होती नहीं है, हिंसा होती नहीं है धर्म के आधार पे, लेकिन रक्षा के लिए तो हिंसा करनी पड़ती है ताकि सनातन धर्म बचे। तो योद्धाओं की तो जरूरत है हमको, और ये तो उन लोगों को डरना चाहिए कि हिंदू सैनिक कभी हारता नहीं है। लोग बोलते हैं सिख वॉरियर ट्राइब, वो तो प्रोपेगेंडा है। अगर देखा जाए तो मराठाओं ने हराया मुगल एम्पायर को, और महाराज रंजीत सिंह ने बाद में मुगल एम्पायर को हराया, और सिख लोग बचे रहे तब तक, जब तक सिख लोगों का सनातन धर्म से कनेक्शन है। उसी कनेक्शन को तोड़ने के लिए तो पूरा वो चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। तब तक ही सिख बचा हुआ है, उसके बाद नहीं बचेगा, उसके बाद तो कृष्ण बन जाएगा। तो उनके धर्म पे आघात है वो हिंदुओं से तोड़ना। जापान में मंदिर देखिए, कितने सारे मंदिर हैं। ये सब इनसे प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय नेताओं में जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं उनमें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, और हर चीज को डिफेंसिव, और इस चक्कर में वो लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन हिंदू खत्म नहीं होगा, सनातन धर्म खत्म नहीं होगा, सनातन धर्म तो बढ़ेगा। आप निराशा बिल्कुल मत रखिए, वेदों पर विश्वास करिए, और आपकी रक्षा देवता करते हैं, कोई और नहीं करता। देखिए अलास्का के बीच में भी मंदिर है, गणेश मंदिर एंकरेज में, एक मंदिर है गणेश का, अलास्का में भी है मंदिर। देखिए अलास्का में मंदिर है, ठीक है, तो पूरे विश्व में मंदिर है हमारे, पूरे विश्व में मंदिर है, सनातन धर्म के मंदिर पूरे विश्व में है। तो बिल्कुल घबराइए मत, जप करिए, और जो चल रहा है उसको ध्यान से देखिए क्या ये। अब मैं आपको बताऊं, ये हमको बहुत ज्यादा हमको मदद करने वाला है एक समय में आके, बहुत ज्यादा। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो को देखिए और लोगों को शेयर करिए। एंड जय श्री राम, जय जगन्नाथ, और एक अच्छा अवसर है वापस एक और अच्छा हिंदू बनने के लिए। अब हमको एक अच्छा हिंदू बनना है, राम का जब और भक्ति से करना है, शिव जी को और अच्छी तरह याद करना है, और हमारे मंत्र हमको और अच्छी तरह करने है। कि अब तो हमको और भी अच्छा हिंदू बनना है, और हिंसा हम तो किसी को गारंटी नहीं देते कि हम हिंसा नहीं करेंगे। आप आक्रमण करेंगे तो हम डेफिनेटली शास्त्रों के अनुसार हिंसा करेंगे,
किसी को गारंटी नहीं, लेकिन धर्म बढ़ाने के लिए अगर वो कुछ करना पड़ा तो वो भी करेंगे। तो बिल्कुल घबराइए मत, राम का नाम लीजिए, प्रसन्न रहिए, मेरे गुरु ने मुझे एक ही आदेश दिया, खुश रहो। मेरे को बड़ा डिफिकल्ट लगा वो खुश हो, ये बड़ा भयंकर इंसिडेंट होता है। मुझे जब उन्होंने बोला जस्ट बी हैप्पी, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हैप्पी बनूं, कैसे खुश रहूं। और तब मैंने, क्योंकि कभी कभी जब गुरु आपको कुछ बोलते हैं तो बड़ा कठोर होता है, अभी साधारण से चीजें खुश रहूं, अभी क्या कैसे खुश रहूं, मैं कैसे खुश रहूं। धीरे धीरे मुझे वो चीजें देखने लगी जिससे मुझे खुशी मिलती है, जैसे शास्त्रों को पढ़ना, ध्यान करना, या पेड़ के नीचे बैठ के बस पेजे पलटते रहना महाभारत के, रामायण, कहीं बोर हो जाते पलट ही रहे पेज, और मुझे उसी में प्रसन्नता मिलनी शुरू हो गई। अब मुझे पता लगा कि मेरा कार्य कुछ और ही है कि शास्त्रों को लोगों के सामने लेकर आना, जो मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तार्किक व्यक्ति हूं, लॉजिक रीजनिंग में सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा कुछ है नहीं। जो मुझे इंस्पायर करता है मैं बोलता रहता हूं, लोगों को बताता रहता हूं, और उसी के माध्यम से धीरे धीरे सतौंजी शुरू हो गया। जिस चीज में मुझे रुचि थी ज्योग्राफी में, उसी से मैं बात करता रहता हूं आपसे। तो बड़ा शक्ति होती है, खुश रहो, बड़ा भयंकर इंस्ट्रक्शन है, खुश रहो। बड़े सुनने में साधारण लगता है कि भाई खुश रहो, ये तो बड़ा साधारण बोल दिया किसी ने, लेकिन खुश रहो बहुत ही डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन है, आदेश, आदेश बोलेंगे इसको, निर्देश, आदेश, खुश रहो। तो मैं आपको वो बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे बताता हूं कि बस बी हैप्पी, हरि नाम में बहुत खुशी है, हरि नाम लेते रहिए और दुनिया को देखते रहिए, और हम कुछ नहीं कर सकते। और जहां मौका मिलेगा वहां पे हम शास्त्रों का पालन करेंगे, जैसे आज हम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम हिंदू हैं, हम अंध भक्त हैं भगवान राम के, अंध भक्त हैं भगवान राम के, जगन्नाथ के, शिव जी के, दुर्गा माता के, और जो भी हमारे देवता हैं सभी के हम अंध भक्त हैं, और हम हिंसा करते हैं शास्त्रों के आधार पर दुनिया की रक्षा करने के। तो इस विचार के साथ इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आपको मोटिवेट करता है तो और लोगों के पास पहुंचाइए। तो फिर मिलेंगे, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।